मैं योगाचार्य प्रदीप थपलियाल, आज हम बात करने वाले हैं उच्च रक्तचाप पे। उच्च रक्तचाप होता क्या है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड का जो प्रेशर है, दबाव है, वो हमारी धमनियों में होता है, तो उससे ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और किन कारणों से होता है, और क्या इसके आयुर्वेदिक से कैसे इसे कम हो सकता है, किन आसनों से ये कम होगा, किन प्राणायाम से कम होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम सर्वप्रथम जाते हैं ये होता कैसे है। तो चिंता से, अवसाद के कारण ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका। ये तो आपका जो अनुवांशिक कारण हो सकता है, या एज फैक्टर भी काम करता है इसमें, और स्मोकिंग या व्यसन के कारण भी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी बीपी हो सकता है। तो बीपी हमको पता कैसे चलेगा कि बीपी हो गया? तो इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपना बीपी नपवा के या देख के, या आपको घबराहट हो रही हो, चक्कर आ रहा हो, या आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया हो, इससे भी माइंड में सर दर्द हो रहा हो, उससे भी ऐसे भी पता चल सकता है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये होता कैसे है। जैसे नॉर्मल जो बीपी वाला पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसका जो सिस्टोलिक जो होता है 120 होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक है वो 80 होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल है ना, सामान्य व्यक्ति के लिए ये सही है, पर अगर जिसका बड़ा होगा तो उसका सिस्टोलिक 130 से 139 तक बढ़ गया होगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक उसका 85 से 90 के बीच होगा। इसके मतलब उसका बीपी बढ़ गया। तो इसके लिए हमें किन किन आसनों की, या खान पान का ध्यान भी आपको रखना है। जैसे खान पान के लिए आपको, जैसे खीरे का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं, गाजर हो गया, और प्याज हो गया, इसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, और इसका जूस इत्यादि भी निकाल के आप पी सकते हैं। तो ये तो आपके आयुर्वेदिक नुस्खे होगी, तो इस पर भी आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और जैसे अपने जो मन है वो छोटे बच्चों के साथ बहलाने के लिए, उनके साथ या कार्य में आपको बिजी रहना चाहिए, इससे आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। या किसी वर्क को करना, आपने उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, इससे भी कर सकते हैं आप। अब चलते हैं हम इसे यौगिक चिकित्सा की ओर। यौगिक चिकित्सा में हम कौन कौन से आसन करेंगे, कौन कौन से प्राणायाम करेंगे जो हमारा बीपी कंट्रोल या ठीक हो जाए, हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो हम इसके लिए वज्रासन में बैठ सकते हैं, और विपरीति करणी मुद्रा कर सकते हैं, और आपको जैसे शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, इन प्राणायामों को भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इन प्राणायामों को आप बैठे बैठे कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, आराम से अपने बैठ के इन प्राणायाम कर सकते हैं, तो आप उच्च रक्तचाप से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए इसे कोई कोई डॉक्टर इसे साइलेंट किलर भी बोलता है। साइलेंट किलर माने आपको पता ही नहीं चलता है कि कब व्यक्ति की डेथ हो गई, कि पता ही नहीं चलता मेरा बीपी बढ़ा है, क्या हो रहा है, पैरों में झंझनाहट हो रही है। और इससे इससे आप एक प्राकृतिक चिकित्सा का वो भी कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, जैसे पैरों की मसाज हो गई, और रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी के लिए आप भी क्या कर सकते हैं, उसकी तेल की मसाज कर सकते हैं, वहाँ ठंडी पट्टी रख सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं हम, कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आपको कर सकते हैं आप, पर बहुत धीरे धीरे मंद गति से करना चाहिए आपको, ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं उसको बताएंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, पर उसमें आप कुंभक नहीं लगाएंगे। शीतकारी और शीतली प्राणायाम करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बैठ जाएंगे आराम से, बैठ के और बैठ जाएंगे। देखो जैसे शीतली और शीतकारी कैसे करना है आपको, आपको इसमें कुंभक नहीं लगाना है, कुंभक कुंभक का प्रयोग नहीं करना है। और पद्मासन में बैठ सको तो सबसे बेहतर, आपको फायदा मिलेगा इसका भी, ठीक है।
तो जो उच्च रक्तचाप है उससे कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है, आंतरिक क्रियाएं हमारी खराब हो जाती है, पाचन तंत्र खराब हो या कब्ज की दिक्कत हो आपको, ऐसे भी हो सकता है, उसको भी चेक करा सकते हैं आप। कब्ज की दिक्कत हो, एसिडिटी बननी हो या लीवर खराब हो, डैमेज हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हम करेंगे शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, और ये बना लेंगे, आपको ज्यादा देर तक कुम्भक नहीं लगाना इसमें। इस प्रकार से करते हैं, और सितकारी, इसमें सितकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। सितकारी प्राणायाम के लिए वही श्वास को लिया और दोनों नासा छिद्रों से श्वास को बाहर, और नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देख सकते हैं आप। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए ऐसे ही प्रणव मुद्रा ऐसे बना लेंगे, प्राणायाम मुद्रा भी बोलते हैं इसे। तो दाएं से लिया, थोड़ी रोक के रखा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। भ्रामरी कर सकते हैं, भ्रामरी अब आप आसनों की बात करेंगे, आसन बजासन में बैठ सकते हैं आप आराम से, थोड़ी देर के लिए बजासन में, और श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी, आंखें बंद, शवासन कर सकते हैं, शवासन में लेट सकते हैं आप। और विप्रीतिकरणी मुद्रा बताई थी आपको, विप्रीतिकरणी मुद्रा कैसी होती है, जैसे सर्वांगासन होता है, सर्वांगासन में पैर सीधे होते हैं, इसमें थोड़ा पैर तिरछे हो जाते हैं, यू कर लेंगे हम विप्रीतिकरणी मुद्रा, ये पोजिशन होगी हमारी, ठीक है, धीरे से नीचे आ जाएंगे। इसमें हम और भी आसन कर सकते हैं, जैसे योग मुद्रा, योग मुद्रा का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, ये शशकासन कर सकते हैं, ये माथे को जमीन पे फिर ऊपर, फिर श्वास को भरा और श्वास को छोड़ लिया नीचे, फिर श्वास प्रश्वास सामान्य करते जाएंगे आप। शशकासन, पैर को फैला के भी कर सकते हैं ऐसे, ये पोजिशन में, और पैर को बंद करके भी, दोनों पोजिशन में कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि हमको और बेहतर क्या करना चाहिए। इसी के साथ आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे, आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। ओम ओम ओम।